Hi, this is Farooq Khan and welcome back to my channel FRK Info. And please मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जहां पर आप सदियों पुरानी इमारतें, मस्जिदें, मकबरे और पैलेस देख सकते हैं. और इनमें से एक पैलेस है डोलमाबाज पैलेस. डोलमाबाज पैलेस वो पैलेस है जहां पर ऑटोमन अम्पायर के 6 सुल्तान रहे थे. यह ऑटोमन अम्पायर का आखिरी पैलेस था. डोलमाबाज पैलेस को ऑटोमन अम्पायर के 31वें सुल्तान अब्दुल मसीद ने बनवाया था. उन्होंने इस पैलेस को सन 1843 में बनाया और ये सन 1856 में बनकर तैयार हुआ था. इसको बनने में 13 साल का समय लगा था. यह पैलेस दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े पैलेसों में से एक है. ये लगभग 2.5 लाख वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है. इस पैलेस के अंदर 285 कमरे और 43 हॉल हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पैलेस को बनने में 5 लाख तुर्क सोना लीरा यानी 35 टन सोना, अगर आज के दौर में देखा जाए तो लगभग 2 बिलियन डॉलर बनता है. इस हिसाब से ये पैलेस बहुत ही आलिशान और खूबसूरत है. इस पैलेस में दुनिया का सबसे बड़ा झूमर लगा हुआ है जिसमें लगभग 750 लैंप हैं और इसका वजन लगभग 4.5 टन है. इस पैलेस के आर्किटेक्ट गर्बेट बलियान थे जिन्होंने इस पैलेस को डिज़ाइन किया था. और अगर हम इसकी वास्तुकला शैली की बात करें तो ये बारोक रिवाइवल और रोकोको रिवाइवल की शैली पर बनाया गया था. 19वीं सदी में बना हुआ ये पैलेस दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा पैलेस है. ऑटोमन अम्पायर के सुल्तान इस पैलेस से पहले तोपकापी पैलेस में रहते थे. उसके बाद उन्होंने इस पैलेस का निर्माण करवाया था. इस पैलेस में ऑटोमन अम्पायर के 6 सुल्तान रहे थे जिसमें आखिरी सुल्तान अब्दुल मसीद अफंदी थे. इस पैलेस के अंदर आपको क्लॉक टावर और खूबसूरत मस्जिद और लाइब्रेरी और कई खूबसूरत कमरे देखने को मिलेंगे. मुस्तफ़ा कैमल अतातुर्क ने अपने जीवन के आखिरी दिन इसी पैलेस में बिताए क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. 10 नवंबर सन 1938 को सुबह 9:05 पे महल के पूर्व हरम क्षेत्र में स्थित एक बेडरूम में उनकी मृत्यु हो गई. उनकी मृत्यु के बाद महल के सभी घड़ियों को बंद कर दिया गया और 9:05 पर एक घड़ी को सेट कर दिया गया. उनके कमरे के बाहर की घड़ी अब तुर्की के वास्तविक समय पर सेट है, लेकिन जिस कमरे में उनकी मृत्यु हुई थी वह घड़ी आज भी 9:05 पर लगी हुई है. तोपकापी पैलेस तुर्की के इस्तांबुल शहर में बना हुआ है. यह इस्तांबुल का सबसे बड़ा पैलेस है जो गोल्डन हॉर्न और मरमरा समुद्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है. कुस्तुनतुनिया को फतेह करने वाले सुल्तान मोहम्मद अल फातेह ने इस महल को सन 1459 में बनवाया था. वह जब तक जिंदा थे इसी महल में रहते थे. सुल्तान मोहम्मद अल फातेह के इंतकाल के बाद ऑटोमन अम्पायर का जो भी सुल्तान बना वो इसी महल में आके रहता था. तोपकापी महल ने 400 से भी अधिक वर्षों तक तुर्क सुल्तानों के शाही निवास के रूप में काम किया था. तोपकापी पैलेस का मतलब है तोपों का गेट और ये पैलेस लगभग 4 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने महलों में से एक माना जाता है. तोपकापी पैलेस के आर्किटेक्चर मेहमद सेकंड, अलाउद्दीन, दाऊद आगा, मिमर सिनन और सरकिस पल्यान थे जिन्होंने तोपकापी पैलेस को डिज़ाइन किया था. तोपकापी पैलेस के अंदर आपको मस्जिद, म्यूजियम, किचन, लाइब्रेरी, हरम और कई सारे गेट देखने को मिल जाएंगे. तोपकापी के मेन गेट को बाबे सुल्तान गेट कहते हैं और यहाँ से सिर्फ सुल्तान गुजरते थे.
किसी और को यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं थी। इस गेट पर कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं। इस गेट को 19वीं सदी में संगमरमर से सही कराया गया था। तोपकापी पैलेस का म्यूजियम दुनिया भर में इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवार और उनका तीर कमान और उनके पैरों के निशान यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा और भी कई नबियों की यहाँ पे तलवारें साफा मौजूद है जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। तोपकापी पैलेस में सुल्तान का सोने का थ्रोन मौजूद है, और इसके साथ साथ अगर हम किचन की बात करें तो यहाँ पर उस जमाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन मौजूद हैं। तोपकापी पैलेस की लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर उस जमाने के पुराने दस्तावेज मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हाथों से लिखी हुई कुरान भी मौजूद है। और अगर हम हरम की बात करें तो यहाँ पर सुल्तान की फैमिली रहा करती थी, और यहाँ की दीवारों पर गोल्ड से नक्काशी की गई थी। और इसके साथ साथ आपको उस जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और सुल्तानों की ड्रेस देखने को मिल जाएगी। बेसिलिका सिस्टर्न इस्तांबुल का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत और सबसे पुराना महल है। ये एक ऐसा महल है जो ज़मीन के अंदर बना हुआ है। इस महल को 542 ईस्वी में बाइजेंटाइनी सम्राट जस्टियन प्रथम ने बनवाया था। इस संरचना का उपयोग महलों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये महल एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जो हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये लगभग 140 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है जो लगभग 9,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अंदर 336 खंभे हैं जो 9 मीटर लंबे हैं। इस महल को बनाने के लिए उस वक्त लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोग लगे थे। उस वक्त इसके निर्माण में कई लोगों की जानें चली गई थीं। स्तंभों में से एक में हेन की आँख की नक्काशी है जिसमें निर्माण के दौरान मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में शाखाएँ और आंसू हैं। यह पूरी संरचना आग की ईंटों की दीवारों से घिरी हुई थी जिसकी मोटाई 4.8 मीटर थी। उनकी सुरक्षा के लिए इसमें वाटरप्रूफ मोर्टार की कोटिंग की गई थी। इस महल के अंदर कुल 52 सीढ़ियां हैं। भूमिगत बुलबुलैया जैसी इस संरचना में 80,000 क्यूबिक मीटर पानी समा सकता है। इस महल को इसके मूल निर्माण के बाद कई बार बहाल किया गया था। पहली मरम्मत 18वीं शताब्दी में ओटोमन सुल्तान अहमद तृतीय के शासनकाल के दौरान सन 1723 में कासेरी के वास्तुकार मोहम्मद आगा द्वारा की गई थी। इसकी दूसरी बड़ी मरम्मत 19वीं सदी में सुल्तान अब्दुल हमीद तृतीय के शासनकाल के दौरान की गई थी। इस्तांबुल मेट्रोपोलियन म्यूजियम द्वारा सन 1985 में अतिरिक्त बहाली के साथ सन 1968 में चिनाई और क्षतिग्रस्त स्तंभों की मरम्मत की गई थी। सन 1985 की बहाली के दौरान 50,000 टन मिट्टी को कुंड से हटा दिया गया था, और कुंड के दौरे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नावों को बदलने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। कुंड को 9 सितंबर सन 1987 को जनता के लिए खोल दिया गया था। कुस्तुंतुनिया, जिसे अब इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, ये एक खूबसूरत शहर है। यहाँ की मस्जिदें और मकबरे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। एक ऐसी ही मस्जिद है जो दुनिया भर में मशहूर है जिसका नाम हागिया सोफिया मस्जिद है। यह इस्तांबुल की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। हागिया सोफिया इस्तांबुल और तुर्की के इतिहास को बयान करने वाली सबसे पुरानी स्मारकों में से एक है। इसे आया सोफिया के नाम से भी जाना जाता है। हागिया सोफिया मस्जिद के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है। यह पहले चर्च थी, उसके बाद ये मस्जिद में तब्दील हुई, फिर ये म्यूजियम बनी, और उसके बाद फिर से ये मस्जिद में तब्दील हो गई। हागिया सोफिया मस्जिद को सन 532 ईस्वी में बाइजेंटाइनी साम्राज्य के शासक जस्टिनियन के शासनकाल के दौरान बनाया गया था।
उस समय इस शहर को कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। यह इमारत लगभग 900 सालों तक ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित रही थी, लेकिन सन 1453 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद अल फाते ने जब कुस्तुनतुनिया को कब्जा करा तो इस शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया और इस स्मारक को गिरजाघर से एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। सन 1453 में सुल्तान मोहम्मद अल फाते ने जब इसको फतेह किया था, उस वक्त से लेके 1931 तक ये मस्जिद में रही। फिर 1931 में जब तुर्की साम्राज्य ख़त्म हो गया, तब मुस्तफ़ा कमाल पाशा यानी कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूज़ियम में बनाने का ऐलान किया। फिर सन 1935 में ये म्यूज़ियम में तब्दील हो गया और आम लोगों के लिए खोल दिया गया, जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। उसके बाद तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति एर्दोगन ने जब राजनीति में अपना पहला कदम रखा, तभी से उनका प्रमुख एजेंडा यही था कि हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद में तब्दील करना है। हालांकि तुर्की के इतिहासकारों ने बताया है कि एर्दोगन ने अपनी राजनीति की शुरुआत में पहले हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में बदलने की मांग की थी। फिर उनकी काफ़ी मेहनत के बाद सन 2020 में इसको म्यूज़ियम से तब्दील करके मस्जिद में कर दिया गया। अगर आप तुर्की जाते हैं और इस्तांबुल में हैं, तो आप हागिया सोफिया मस्जिद को देखना ना भूलिएगा। तुर्की एक खूबसूरत देश है, यहाँ आपको एक से एक खूबसूरत मस्जिद देखने को मिल जाएंगी। और आज मैं आपको बताऊंगा तुर्की की एक खूबसूरत मस्जिद के बारे में। इसका नाम ब्लू मस्जिद है और इसको सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहते हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए कि तुर्कों द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत मस्जिद कौन सी है, तो उसमें सबसे पहले ब्लू मस्जिद आती है। इस खूबसूरत मस्जिद का निर्माण सुल्तान अहमद प्रथम ने सन 1609 में शुरू किया था और ये मस्जिद सन 1616 में बनकर तैयार हुई थी। तुर्की की ये खूबसूरत मस्जिद 6 मीनारों के साथ बनी पहली मस्जिद है और इस मस्जिद के वास्तुकार सदेवकर मोहम्मद आगा हैं। इस मस्जिद का आंतरिक भाग विशेष रूप से गुंबद के अंदर लगभग 21,000 एजनिक टाइलों से सजाया गया है। चूंकि ये टाइल ज्यादातर नीले रंग के हैं, इसलिए इसे ब्लू मस्जिद कहा जाता है। इन टाइलों पर पेड़ों, फूलों व अन्य पौधों की तस्वीर बनी हुई है। इन सभी को नीले रंग में डिजाइन किया गया है। ब्लू मस्जिद के गुंबदों को सजाने वाली इजनिक टाइलों को सन 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर इस्तांबुल की सूची में शामिल किया गया था। सन 1616 में बनी ब्लू मस्जिद में 8 माध्यमिक गुंबद और 5 मुख्य गुंबद हैं। यह पारंपरिक इस्लामिक वास्तुकला के साथ कई तत्वों को जोड़ता है और इसे शास्त्रीय काल की अंतिम महान मस्जिद माना जाता है। मस्जिद एक आयताकार योजना में बनाई गई है और प्रार्थना क्षेत्र जो एक वर्ग योजना में है में कुल 2646 वर्ग मीटर है। गुंबद का व्यास जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है 43 मीटर है। मस्जिद जो अपने आकार से ध्यान आकर्षित करती है, इस्तांबुल में सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। तुर्की की इस खूबसूरत मस्जिद को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।